Happy birthday to you. बचपन में 4-5 साल का तब काटा होगा। लाइट चली गई। Hey guys, Assalamu Alaikum, it's me, Dhruv Vidyani, and welcome back to another vlog. आज है 9th of September और 9th of September में है कुछ खास दिन, क्योंकि आज के दिन है मेरे मामू का बर्थडे। आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं कि उनका बर्थडे 9th of September में है, लेकिन जिनको पता नहीं है मैं बता देता हूँ, आज है मेरा मामू का बर्थडे। तो मैंने सोचा कि उनको हम लोग छोटा सा एक सरप्राइज़ दें। वो हमारा हर दिन गास मनाते हैं, तो मैंने सोचा कि हम लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो सारे डेकोरेशन तैयारियाँ मैंने कर ली हैं, तो अब मैं खुद रेडी होने जा रहा हूँ नहाने, और मैं मामू को कॉल करूँ, कॉल करके ये बताऊँगा कि घर पे आ जाओ, अम्मी बुला रही है। तो देखते हैं वो कितने टाइम पे आएंगे। और डेकोरेशन वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है, केक वगैरह मैंने सब कुछ ऑर्डर कर लिया है, केक आता ही होगा। तो उन लोगों ने कहा था कि 8 बजे तक आ जाएगा, 8 बज रहे, तो अब मैं जाऊँगा, पहले केक रिसीव करूँगा, फिर उसके बाद जाएँगे, रेडी होऊँगा। और असलाम मामू को भी मैंने कॉल कर दिया है, उन्हें पता है कि मैं मामू को सरप्राइज़ दे रहा हूँ, तो देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा। आई होप कि वो हमारा सरप्राइज गेस ना कर पाए। वैसे तो मैं रैंडमली गौर करूंगा, अब जो होगा आके आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अब जा रहा हूँ मैं नहाने, मिलते हैं बाद में। फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, जा रहा हूँ मैं नीचे, क्योंकि मामू आ चुके हैं। मैंने उनको कॉल कर लिया था, इतना टाइम नहीं मिला मुझे बात उनको रिकॉर्डिंग सुनाने का, लेकिन वो आ चुके हैं नीचे, देखते हैं क्या होगा। शुक्र है बच गए, मेरा मामू नहीं थे, मुझे लगा वो है, लेकिन आ गए। कंप्लीट इंतजाम हो चुका है, अब बस मेहरान का इंतजार कर रहे हैं। देखो जरा देखो, ये है आखिरी पास्ता, ये है मेरा स्पाइस, मेरे घर से नॉक हो रहा है मेरे घर से। आ गए लगता है, आ गए। खबर पिता के यार, बंद हो गया तो सही। यार ये तो भंड हो गया, हमेशा की तरह माचिस लाना भूल गए। इस बार चुरी है लेकिन माचिस लाना भूल गए। मेरा मसला ये कि मेले शेड के साथ में आया हूँ, ये वीडियो अचानक, ये जो है ये गलत सीन है, ये सरप्राइज है, ये माचिस ले और मैं बर्थडे नहीं मनाता, ये सब यार ये जो है तो हाँ, लेकिन मुझे बोला था यार छोटा सा मेरा व्लॉग है, तो बहरहाल चलो मैं एक मैसेज छोटा सा दे दूं कि बर्थडे मनाना कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन इन्होंने कर दिया तो मैं दिल रखूंगा इनका अपने भाइयों का, लेकिन कोई मुनासिब काम नहीं है ये, क्योंकि एक साल कम हो जाता है ना, वो लॉजिक बड़ा जबरदस्त है। हाँ, ये उस्ताद का लॉजिक है। जिसकी मर्जी जो बनाए, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मैं पर्सनली नहीं मनाता, लेकिन चलो इन्होंने किया तो अब ये कोई तकरीबन कोई 20 साल बाद शायद मैं केक काट रहा हूँ, पहले बचपन में 4-5 साल का तब काटा होगा। लाइट चली गई, यही तो है लियारी में रह रहे हैं, और क्या लियारी में रहेंगे यार, छोड़ दे भाई ये, भाई मैं जान देता हूँ, कोई मसला नहीं है। नहीं जनरेटर सबर, मैं जनरेटर ऑन करता हूँ, जा 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 कट लेंगे, जनरेटर ऑन कर दो यार। जनरेटर ऑन करके मैं आ चुका हूँ, इतनी जल्दी क्यों किया, खा रहा था मैं यार, ये खत्म हो जाता था। सवारा सवारा जल्दी सवारा सवारा, ये क्या था, मुंह ना जल जाए, फट काट ना, ऐसे क्यों हो गया, ये कैसे, ये मेरा बर्थडे आज ही है, गाना बना तो रहा हूँ जन्मदिन मुबारक, तुम नहीं सोनू का नहीं है, ये पता नहीं किसका है, सोनू का नहीं है, मजे वाला केक है,
वो आखिरी पास्ता उसको जाओ पहले खा लेते। अच्छा आ जा फिर मीठा खाएंगे ना। बोल दे तुम ऐसे अमीर बन गए हम लोग, खाने से पहले मीठा खा लिया। पहले खाऊंगा मैं स्वीट। गाली देता है घंटा ये स्ट्रीट लियारी के सड़कों पे। दैट्स हाउ इट इज। उसके आगे वाले लाइन नहीं जा सकते। भाई पार्टी कैसा लगा? हालांकि आप लोग जो मेरे करीबी लोग है वो जानते हैं कि मैं नहीं मनाता, लेकिन फिर भी हाँ छोटा सा एक जो है ना, लेकिन कभी कभार हो जाता है। लेकिन खैर कभी कभी मोहम्मद रिजवान भी केक काट लेता है, मैंने वीडियोस देखी, हालांकि मुझसे ज्यादा वो फॉलो करता है। अक्षय कुमार का भी एक बर्थडे है मेरे घर से। हाँ ये तो 9 सितंबर को अक्षय कुमार। अक्षय साथ बड़ा दोनों के साथ मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अक्षय का। मैं एक्टिंग में कॉपी भी करता हूँ काफी अक्षय को, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी थोड़ा केक चूसेंगे फिर निकलेंगे। तो मिलते हैं अभी ब्रो, आएंगे फिर मिलते हैं खाने के बाद। पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। तो अब थोड़ा खाएंगे केक वगैरह तो मिलते हैं। मैं तो बुलाया केक दे भी तो सही। सबर सबर छोड़ दे। और ये मैं खोलूंगा नहीं, अभी घर जाके खोलूंगा। ये हम दोनों की तरफ से। अच्छा हां ये कीमती गिफ्ट है। हां भाई मैंने आधे पैसे हैं मेरी तरफ से, लेकिन चलो आधे पैसे मुझसे दिए इसने। आधे पैसे दिए हैं? नहीं। अच्छा नहीं नहीं मेरे को आधे पैसे इसमें मिले। अच्छा ये गिफ्ट है, ये पक्का पार्टी है। पार्टी के आधे पैसे हैं ना मेरे पास। थैंक यू सो मच, बहुत ये पार्टी हमारे दोनों की तरफ से मेरे और शाम के। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये वीडियो YouTube पे डालोगे? कब डालोगे ये? कल तक डालूंगा। कल तक डालोगे? लेकिन लोगों को गलत फहमी ना होने दो, 9 सितंबर बर्थडे अपलोड कब होगा पता नहीं। 9 तारीख 10 तारीख तक हो जाएगा इंशाल्लाह। आज नौ कल डाल दूंगा 10 तारीख, बाकी इंशाल्लाह ये मैं खोलूंगा देखूंगा। उम्मीद है कोई अच्छी चीज ही होगी। गिफ्ट कोई भी हो, सस्ता हो महंगा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। गिफ्ट होता है और गिफ्ट देने वाले की नीयत पे डिपेंड करता है। अगर कोई प्यार, एक बार मैंने शिवा को एक गोल्ड डिस्क गिफ्ट में दिया था। अच्छा गोल्ड डिस्क एक रुपए की, मेरे घर से 5 रुपए की हो गई। उसके में 1 रुपए की थी। सही है, मेरा बर्थडे है। मैंने ये मेरा बर्थडे है, उसने मुझे, मैंने उसे गोल्ड डिस्क दिया तो उसने मुझे तारा दे दिया। तुम लोगों ने, हम लोग ऐसे ही करते हैं। क्या बोले, मैं अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। और अच्छा है कि याद रखना सबसे बड़ी बात होती है, तो एक विश भी काफी होता है। हैप्पी बर्थडे विश बहुत होता है हमारे लिए, और इतना सब कुछ कर दो तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, यही बोलूंगा एंड में। अभी इजाजत मुझे मिल सकती है, मैं जाऊँगा। हाँ, मैं एक दो काम निपटाता हूँ जाके। और ऑडियंस को बोलूंगा तोहित दिहानी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इनकी वीडियोस को। आप अगर लाइक और कमेंट करेंगे तो वीडियो रिकमेंडेशन में जाएगी। नया नया चैनल है, आप लोग इसमें जितना कमेंट करेंगे उतनी ज्यादा रिकमेंडेशन में जाने के चांसेस है। तो कोशिश करें कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, लाइक या डिसलाइक करें, मसला नहीं। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगती डिसलाइक करें। ये डिसलाइक जो लोग करते हैं ना बेवकूफ है, बताओ क्यों? डिसलाइक करो या लाइक करो, वो एंगेजमेंट उससे बढ़ी रही है। तो अगर नहीं पसंद आ रही डिसलाइक करो, पसंद आ रही लाइक करो, लेकिन कुछ करके जाओ। और कमेंट करो लाजमी, कमेंट में गालियां भी दे दो मसला नहीं है, कमेंट करो। गाली भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, रिकमेंडेशन बढ़ेगी। तो कमेंट आपने लाजमी करना है, कमेंट लाजमी करना है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करें यार, इंशाल्लाह। जी तो गाइस वो मामू लोग चले गए, और थैंक यू सो मच मामू अपना टाइम देने के लिए। मुझे पता है आप ये व्लॉग देखोगे जरूर, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। और असम भाई आपको भी थैंक यू सो मच, आपने भी इतना टाइम दिया।
तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को व्लॉग पसंद आई होगी। अगर वो लोग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त, जैसा कि मामू ने बोला था, कमेंट कीजिए, कुछ भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि उससे मेरी वीडियो को यूट्यूब आगे बढ़ाएगा और आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि न्यू मैंने स्टार्ट किया है और आप लोग जितना मुझे प्यार दिखाओगे और मैं उतनी ही कोशिश करूँगा कि मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग लाऊँ। एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच आने के लिए, मांगू अपना टाइम देने के लिए, और हैप्पी बर्थडे अगेन, और अल्लाह आपको और लंबी ज़िंदगी दे और आप हमेशा कामयाब रहो, खुश रहो, मैं अल्लाह ब्लेस यू। और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप लोग आप लोग को पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट। मिलते हैं कोई नेक्स्ट अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पिया लक माल में फर्क नच बलिए, तूने देखिए बिछा लक नान मेरा कड़क संगीत के ठहरा।